अघोषित बिजली कटौती एवं क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदीप अहिरवार के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। कुरवाई नगर में इन दिनों विभिन्न समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोग काफी त्रस्त है और उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, पर प्रशासन द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। समस्याओं की जानकारी जब कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार को लगी, तो अपने कांग्रेसी साथी एवं कार्यकर्ताओं और क्षेत्र से एवं नगर से आए हुए सैकड़ों की संख्या में लोग बिना तिराहा पर एकत्रित होकर प्रदीप अहिरवार के नेतृत्व में जुलूस की शक्ल में तहसील परिसर पहुँच कर ज्ञापन सौंपा। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। तो उस विकास को ढूंढने के लिए हमने जनसभा यात्रा करी, लेकिन वो विकास हमें कहीं नजर नहीं आया। आप पदमयाई चले जाइए, 6 महीना से लाइट नहीं है। दुगावली में 3 महीना से लाइट नहीं है। छपारा में 1.5 महीना से लाइट नहीं है। कई गांवों में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। कई स्कूलों में पानी भरा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं सकते। ऊपर पंखा नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हर जगह अव्यवस्थाओं का भंडार है। और हमारे आदिवासी सैनिक भाई जो पूरे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में आते हैं, इस कुरवाई विधानसभा क्षेत्र में उनकी अच्छी संख्या है। हम शासन से मांग करेंगे कि उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रमाण पत्र यहीं से जारी किया जाए। हम उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा आप लोगों से सभी कार्यकर्ता, जितने भी हमारे कार्यकर्ता और ग्रामीण जन आज इस ज्ञापन कार्यक्रम में आए हैं, मैं आप लोगों को एक आश्वासन जरूर दूंगा कि 2023 में जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में भाजपा की गुदाई हम हर हाल में करेंगे। कहीं कोई जरूरत नहीं है, कहीं कोई मंदिर कोई शंका लाने की जरूरत नहीं है। भाजपा झूठ फैलाने में माहिर है। झूठ भाजपा पड़ोसी जनता के बीच में जनता भी समझ चुकी है कि इनके झूठ से हमारा पेट नहीं भरने वाला, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलने वाली, हमारे बुजुर्गों को स्वास्थ्य नहीं मिलने वाला, महिलाओं को सम्मान नहीं मिलने वाला। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हमने लाडली बहना योजना चलाकर महिलाओं को सम्मान दिया। मैं शिवराज जी से कहना चाहता हूँ कि शिवराज जी, आप ही के राज में पूरे देश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म और सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं का इसी मध्य प्रदेश में होता है। आप हमारे प्रदेश की माताओं बहनों के लिए मामा नहीं बल्कि कंस मामा हो। ये कंस मामा की सरकार है जो पूरे प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार है। आदिवासी समाज, आदिवासी भाइयों के ऊपर किस तरीके से पेशाब किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो कार्यकर्ता हो सत्ता के मध्य चूर रहे हैं और इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। आप लोगों ने मेरे ख्याल में जीवन में ये पहली घटना देखी होगी कि एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक आदिवासी भाई के सर पर पेशाब कर रहा है और बड़े घमंड में पेशाब कर रहा है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को हम सब लोग आम जनता 2023 में उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। हमारे नेता कमलनाथ जी ने संकल्प लिया है कि जब तक किसानों के चेहरे पे खुशहाली नहीं होगी, जब तक किसानों के चेहरे पे मुस्कान नहीं होगी, न ये प्रदेश तरक्की कर सकता है, न ये देश तरक्की कर सकता है। इसलिए कमलनाथ जी ने 2018 में जब सरकार बनी तब भी 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। 2023 में भी हमारी सरकार बनने वाली है और हम फिर किसानों का कर्जा माफ करेंगे 2 लाख रुपए तक का। मैं कुरवाई में भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से विधायक की है। हम 20 साल की विधायक को इन 4 महीनों में हम सब कार्यकर्ता हाथ खड़े करके संकल्प लीजिए कि हम हर हाल में हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ के सभी लोगों को, यहाँ के चाहे हमारे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो चाहे युवा हो, सबको हरि सिंह सप्रे जी ने चैलेंज किया है कि कोई माई का लाल भारतीय जनता पार्टी और मुझे नहीं हरा सकता। मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि आप अपने माई के लाल नहीं हो। हरि सप्रे और भाजपा को बताना है कि हमने भी अपनी माँ का दूध पिया है। आ जाओ मैदान में, नवंबर में दिखाएंगे, नवंबर में दिखाएंगे कि कुरवाई की जनता और कुरवाई के माई के लाल जिंदे हैं। आपको आपकी चुनौती स्वीकार है कुरवाई के हर कार्यकर्ता को, कुरवाई की जनता को, जो आपने कुरवाई के लोगों का अपमान किया है। इसका बदला हम लोग नवंबर में लेंगे। हमारे सम्मानित नेता पानवाई में इस अवसर पर चित्रा की धूप में हमारे बीच में चलकर आए हैं। हमारे विजय तिवारी जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे श्रीवास्तव पूरा पाऊ अजीत भाई, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानित नितेश साहू जी, हमारे सरपंच अभिनय कोसी जी, सुमान सिंह जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।